नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं मंचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। सौरभ लाल का बर्थडे, वहाँ पे अमित सिंह जी की एंट्री होती है और इस एंट्री की खूबसूरती इसलिए बढ़ रही है क्योंकि भैया की जो कंपनी है वो लगातार अच्छे गाने ला रही है। साथ ही पवन भैया से थोड़ी बहुत दूरियाँ थी, वो भी हमें अब मोहब्बत प्यार देखने को मिल रहा है। तो भैया का पहले स्वागत करते हैं और पूछते हैं कि भैया कैसे हैं और क्या क्या नया तैयारियाँ हो रही है। भैया पहले बहुत स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और मंचाहा न्यूज़ को भी, आप सभी देखने वाले को, सभी लोग को दिल से धन्यवाद। भैया बहुत दिन बाद आप नज़र आए पवन भैया के साथ, काफ़ी वो प्यारा पल था। थोड़ी बहुत दूरियाँ थी लेकिन अब अच्छा लग रहा है। दूरियाँ कहाँ थी, कौन बोला दूरियाँ थी, नज़दीक अब नज़र। अरे नहीं, मेरा तबीयत थोड़ा हेल्थ का इशू था और रेस्ट में था। दूरियाँ उनसे मतलब उनसे दूरियाँ हो ही नहीं सकते हैं, वो भैया हैं हम लोगों को ज़िंदगी में कभी दूरियाँ। और मैंने न्यूज़ देख रहा था कि ऐसा दूरियाँ ये वो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। पवन भैया हम लोग के बड़े भैया हैं और जो भी हम लोग हैं उनके बदौलत है। आज जो भी हम लोग हैं, जहाँ से भी हो, उनके आशीर्वाद है। और कभी भी ऐसा दूरियाँ, मतलब ये सुन के मैं मुझे ये लग रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं, क्यों ऐसा चीज़ बोल रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी जो खबरें दी, सोशल मीडिया लोगों को भी चाहिए ना, मतलब देखिए बिना रीजन जाने, बिना फैक्ट जाने लोग सोशल मीडिया पर कुछ भी बना देते हैं, ये चीज़ गलत है। जानना चाहिए, मेरा नंबर था, कॉल कर लेना चाहिए था, ये सवाल को पूछ के इसके जवाब मिल जाता। खुद से लोग डिसाइड कर लेते हैं ये दूर या कभी नज़दीक किया। हर महीना दिन किसी का इशू होता है, हेल्थ खराब हुआ, थोड़ा सा हेल्थ का ये इशू था, मैंने आ गया था दिल्ली था, जब हेल्थ सही हुआ मैंने गया। ये शुभ लाभ फिल्म बहुत अच्छी अच्छी गाने लेकर आ रही है, धमाकेदार सॉन्ग लेकर आ रही है, हाल ही में कई गाने सुपर हिट रहे, क्या कहना चाहेंगे और क्या क्या तैयारियाँ हैं आपकी। देखिए सुपर हिट गाना कोशिश तो किया जाता है कि सारे गाना ही सुपर हिट हो और बैक टू बैक गाने की तैयारी चल रही है और आगे भी गाने आएंगी। जिस तरह से प्यार मिला है, उम्मीद है कि आगे भी लोगों का प्यार मिलेगा और हम लोग मेहनत करते हैं कि गाने, सारे गाने को प्यार उतना ही मिले। बाकी सारे ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना किस गाने का प्यार मिलता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बस मेहनत करते हैं, वर्क करते हैं। आपकी एक बड़ी खास बात रही है कि आप हमेशा विवादों से दूर रहे हैं, दूसरी तरफ जब भी आप गाने लाते हैं तो बड़े चुनिंदा सिलेक्टेड गाने आपके चैनल से रही है और ऑडियंस का भर भर के प्यार मिला है। भैया भोजपुरी को आप जो डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं कि हाँ भोजपुरी को और किस कॉन्सेप्ट बेस पर काम करना चाहिए। एक्चुअली मेरा शुरू से टारगेट रहा कि थोड़ा देखिए मैं विवादों में नहीं रहता और मैं विवाद से मतलब भी नहीं रखता। मेरा एक ही एम रहता है, ओनली वर्क। मैं काम में मतलब हमेशा सोचते रहता हूँ क्या हम लोग करें, क्या अच्छा करें, किस तरह का मैटर है जो कि मार्केट के लिए जो कि नया हो। क्योंकि देखिए भोजपुरी गाने जो आते हैं ये सारे तो आ ही रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट आए। जिस तरह से पंजाब इंडस्ट्री, हरियाणा इंडस्ट्रीज हम लोग उन लोग का डेवलप करके आज एक अच्छे लेवल पर जा रहा है, भोजपुरी तो हम लोग को ऑलरेडी जा ही रहा है, आज भोजपुरी भी एक स्थान आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग सभी लोग मिल के अगर चाहेंगे कि कॉन्टेंट कुछ अलग किया जाए, कंटेंट लगातार ना लाकर कंटेंट को अच्छा करने की लोग कोशिश करें ना, तो ओबियसली हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। बिल्कुल भैया, अगर आप बात कर ले दो सुपरस्टारों की जोड़ी अभी जुलाई में 16 तारीख को लखनऊ में एक साथ गले मिली, वो प्यार दिखा, वो अपनापन दिखा, इन चीज़ों को आप अपने नज़रिए से कैसे देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में भोजपुरी का अच्छा मार्क है, जो लोग आगे आएंगे भोजपुरी को आगे ही लेकर जाएंगे। बहुत ही अच्छा, अच्छी बात है, बहुत खुशी हुआ। और दोनों लोग भैया आपस में भाई लोग हैं और इसमें बहुत ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात है। अगर सारे लोग मिल के काम करेंगे तो हम लोग भोजपुरी बहुत ही आगे जा सकती है इस विवाद। और एक्चुअली उन लोग को बीच विवाद नहीं होता, विवाद लोग करवाते हैं, जैसे यूट्यूबर जहाँ जब जैसे लोग जो जहाँ जैसे बनता है। आज कभी भी आप फेस टू फेस कभी लोग कुछ नहीं बोलते हैं, तो विवाद होता है। और सब लोग कोशिश होनी चाहिए कि अगर जो लोग चाहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री डेवलप करे तो सबको ये होना चाहिए कि सारे लोग मिलजुल के काम करें। और कंपटीशन करना है तो काम के साथ करें कि मैं मेरा काम ये है, आप ऐसा इससे बेस्ट करो, तो उसमें क्या होगा कि जो इम्प्रूवमेंट होगी ना वो अलग ही मजा आएगा। तो मेरा ये कहना है कि बातों को छोड़ के काम के साथ कंपटीशन करें तो ये अलग ही सीन बनेगी और मज़ा आएगा काम करके। फिल्मों को लेकर भी आपकी क्या तैयारी है, क्या पवन भैया या फिर दोनों सुपरस्टारों को एक साथ लेकर कुछ करेंगे ताकि भोजपुरी में वो एक लाइमलाइट और वो एक बड़ी सी खाका होगी ताकि भोजपुरी को लोग जो देखते हैं वो बहुत प्यार देंगे। नहीं नहीं, अब अगर अब तो डिपेंड करता है कि किस तरह का स्टोरी आता है, किस तरह का ये मूवी बनाने के ऊपर होता है, प्रोड्यूसर किस तरह का प्रपोजल आते हैं। अगर अच्छी प्रपोजल आती है, अच्छी कंसेप्ट आती है तो ओबियसली एक साथ भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है सिचुएशन एंड ये प्रपोजल इस तरह से क्या कॉन्सेप्ट है, कहानी अगर ऐसा आएगा तो होगा और
करेंगे भी लोग, जब भाई है तो क्यों नहीं होगा। और सारे लोग अभी तो मूवी आजकल हम लोग देख ही रहे हैं कितना दिन पर दिन अच्छा होता जा रहा है, तो और मूवी आने की कोशिश जारी है और उम्मीद है कि आगे भी बहुत अच्छी अच्छी मूवी आने वाली है। अभी कौन भैया का सूर्यवंशम शूट हुआ है, वो एक अलग ही मूवी बनी है, मतलब उसमें स्टोरी बेस्ड मतलब दिखाया गया है कि मतलब क्या है उसमें गजब अलग ही करेक्टर में दिखे है पवन भैया। भैया पवन सिंह के जितने भी फैन है चाहने वाले हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सभी लोग को मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से पवन भैया को प्यार दे रहे हैं उसी तरह से आगे भी प्यार देते रहे और सब और प्यार देने के साथ साथ सभी लोग एक साथ मिल के काम करने का हमारे भी बहुत सब लोग मिल के काम करने का संदेश करें, सब लोग एक दूसरे से मिले और काम करें और भोजपुरी में सुचित्रा हो सकता है विवाद से दूर और काम पर ज्यादा फोकस करने का अपील। थैंक यू सो मच भैया हमारे साथ जुड़ने के लिए।